on me, baby. हेलो भाई, मैं हूँ सौरभ नागराज। आज कोई कार रिव्यू वीडियो नहीं है, आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ भाई अपने कार प्रेशर वॉशर का। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ब्रीफ में बात करेंगे इसके बारे में। अगर बात करें देखो सबसे पहले बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, तो मैं आपको पहले बाहर से दिखा देता हूँ कौन सी ब्रांड है। ब्रांड है अपनी इंगिंको प्रेशर वॉशर, ठीक है। इसका मॉडल नंबर आप यहाँ देखोगे तो ये है H पावर 1408। ये अपनी 1400 वाट में है। अब बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स अंदर क्या क्या आता है। भाई बॉक्स को अपना ओपन कर लेते हैं, कैमरा मैन थोड़ा क्लोज आओ। जैसे आप बॉक्स को ओपन करते हैं सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर आपको मशीन मिलती है जो हमने पॉलीथीन में रैप करके दिया। उससे पहले देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक अपना स्टिक मिलती है, ये साथ इसको प्रेशर को होगी एडजस्ट करने के लिए, इसको साइड रखते हैं। उसके बाद मशीन को निकालते हैं। यहाँ पर मशीन आप देखोगे भाई, मैंने पहले भी अनबॉक्स कर लिया था। ये अपनी कुछ इस तरह की मशीन आती है। यहाँ पर आपको देखो दोनों तरफ सेफ्टी दी गई, जैसे कुछ अंदर अपना कोई चीज़ घुसे ना, पूरा कैप वगैरह। इधर आपको स्विच मिल जाता है, ये पूरे अपने पावर केबल है, काफ़ी बड़ी है। अब देखते हैं और बॉक्स अंदर क्या क्या मिलता है आपको। बाकी सब आपको गन देखने के लिए मिल जाती है अपना। इसको मैं आपको दिखाऊंगा ये ऐसे इंस्टॉल करा जाता है। इसमें आप इसको जैसे अंदर इंसर्ट करोगे, इसको थोड़ा अंदर प्रेशर से अंदर करते हुक और अपना लॉक हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ से अपने इसको प्रेशर को आगे एडजस्ट और कम कर सकते हो, मतलब कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उन्हें पतली करनी है आपको, शावर टाइप में करनी है वो। उसके लिए आपको नोजल दिया हुआ है पूरा। बाकी बॉक्स में और कुछ है नहीं, आपको कैप वगैरह मिलती है पीछे इंसर्ट करने के लिए। बाकी ये पाइप्स मिलते हैं इसके अंदर दो, ये अपना गन पाइप है जो मशीन से आगे से अपना इसमें जाता है गन के अंदर, और ये अपना है इसका वाटर इनलेट का पाइप जो इसके पीछे लगता है। चलो पूरी मशीन को सेटअप करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले भाई इसकी वायर को खोल लेते हैं। अगर वायर को मैं आपको इसकी लेंथ दिखाऊँ कितनी बड़ी आपको मिलती है देखने के लिए, तो भाई देखो आपको अच्छी खासी देखने मिल जाती है। इसकी लेंथ बहुत ही बड़ी है, आप इजीली इसको लगा सकते हो। बाकी अपना बोर्ड यूज़ कर सकते हो आप एक्सटेंशन कोई भी इसको यूज़ करने के लिए। लग मैंने लगा दिया है। अब इसकी गन वगैरह को अटैच करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वाटर इनलेट के अंदर क्या चीज़ मिलती है। तो आपको 1 से 1.5 मीटर का पाइप मिलता है, उसको आप सीधा इसके पीछे लगा सकते हो। मैं आपको दिखाऊँ क्लोज से, यहाँ पर आओ, इसका पीछे मिलता है ये पोर्ट। आप इसको जैसे ही ओपन करोगे उसके अंदर आपको पीछे ये इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको टाइटली लगा लेंगे, उसके बाद इसमें लॉक सिस्टम होता है। इसको बस इजीली इस पर लगाओ और अंदर को प्रेस कर दो, इसमें लॉक साउंड आती है। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, बस इस पाइप को इसके आपको इसके अंदर डालना है। अब इसे आगे पाइप को टेस्ट कर लेते हो जो अपना गन के लिए जाएगा। ये इसमें आपको कसना पड़ता है चूड़ी की तरह इसके अंदर। भैया मैंने टाइट कर दिया है पूरा टाइट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका पाइप कैसे लगाते हैं गन के अंदर। सिंपल, बस आपको कुछ नहीं करना। ये यहाँ पर होता है नोजल, इसमें आपको यहाँ लगा के और इसको अंदर से प्रेस करना है। ये लॉक हो चुका है। चलो अब आपको प्रेशर दिखाता हूँ ऑन करके। Thank you.
जा चुकी है गाँव में, उसमें थोड़ी दिक्कत ही गई है, तो हमारी गाड़ी वॉशिंग आधी रह जाती है। वीडियो को जब भी स्टार्ट करेंगे लेट आ जाएगी। आप देखो कि वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा गाड़ी सफ़ा कर ली है, बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो अभी तक सिर्फ मैंने पानी मारा है, पानी के बाद आप देखो तो काफ़ी सारे मिट्टी हट चुकी है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, अब जो मैं आपको बता रहा था ना आगे नोजल से जो प्रेशर और उस शावर को ऐसे करा जाता है, अभी ये शावर फॉर्म में है, अगर इसकी मेरे को प्रेशर बढ़ाना है तो इसको मैं इधर की तरफ ऐसे करूँगा तो ये पतला होता चला जाता है। बात करूँ पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस की मशीन के साथ तो भाई मेरा नो डाउट बहुत ही अच्छा रहा। अगर मैं आपको उसके प्रेशर की दिखाऊँ डिस्टेंस कितना कवर करती है, आप यहाँ से देखोगे पेड़ कितना दूर है, इजीली उसके पत्तों तक पानी पहुँच रहा था, आप देख सकते हैं कि प्रेशर तो अच्छा काफ़ी दिया गया। बाकी जो कॉमर्शियल मशीन आती है उसी लेवल का उसका प्रेशर आपको देखने के मिलता है, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हैं इस मशीन को। अब अगर बात करूँ इसके मैं ब्रांड की, तो ब्रांड भाई अपना इंगेंको है, अच्छा ब्रांड है, जाना माना, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो गूगल पे। और मेरे को उसको जो वारंटी मिली थी वो थी अपने एक साल की, एक साल में इसमें आपको अगर मोटर वगैरह फूक जाती है तो वो तो पूरा रिप्लेस होगी, बाकी ओवरऑल मशीन एक साल के अंदर रिपेयर है। अब अगर बात करें देखो इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में मेरे को इसकी 6,000 रुपये पड़ी थी, बट अगर इसके बात करें ऑनलाइन प्राइस वो थोड़ा कम भी है, जो कॉम्पिटिशन जो मशीनें आती हैं और चाइनीज़ उनको और भी देखने के लिए कम मिल जाती, पर वो ये भाई चाइनीज़ चीज़ों कोई गारंटी रहती है नहीं। तो भाई इस वीडियो के अंदर यही था, बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को कर देना लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।